ये असल में एक श्रृंखला की कड़ी है। अभी आज हमारा पहला कार्यक्रम था और हम इसी श्रृंखला में आगे भी जनसंपर्क करते रहेंगे। आज हमने सावन स्कूल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मॉनसून में उत्पन्न होने वाले जो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स हैं उसकी चर्चा हमने बच्चों से की। अपेक्षा है कि वो लोग एक अच्छे एम्बेसडर होते ही हैं और अपने माता पिता तक ये संदेश पहुंचाएंगे, अपने पास पड़ोस में जो दूसरे बच्चे हैं उनके माध्यम से उन समाज तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि कैसे हमें बिजली का सुरक्षित इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे किसी भी दुर्घटना से बचना चाहिए। ये संदेश अगर सब तक पहुंचेगा तो ये मुझे लगता है कि बहुत कल्याणकारी रहेगा समाज के लिए। सावन स्कूल पधारी और मैं CEO श्रीमान सुनील कुमार जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, लक्ष्मीकांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन्होंने आज आकर बच्चों को बताया कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह सेव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से जीवन कैसे बचाया जा सकता है। अभी मानसून चल रहा है तो जो बाहर खुले हुए तार पड़े हैं या पोल में जो करेंट आता है उनसे मवेशियों को कैसे बचाया जा सकता है, इसमें बच्चे बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वे घर जाकर अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को समझा सकते हैं। तो ये जो मुहिम है मुझे बहुत अच्छी लगी। सावन स्कूल से टाटा पावर ने शुरुआत की है, मैं चाहता हूँ कि अजमेर शहर के और स्कूल्स भी इस मुहिम में जुड़ें और साथ ही साथ प्लास्टिक से अवेयरनेस यानी प्लास्टिक से दूरी बनाएं, जूट का थैला लेकर बाज़ार जाएं, कभी भी प्लास्टिक की थैले में अपना सामान लेकर ना आएं। और पूरी टीम, पत्रकार महोदय और सभी को सावन स्कूल की तरफ से धन्यवाद। मैं हरीश कुमार शर्मा, निदेशक।